आगे गंदा ना हो ना, ये कर फिर पहन ले। ये बन रहा है साग, और इधर मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ मकई की रोटी बनाने की, सेकंड अटेम्प्ट कर रही हूँ, टूट रही है बार बार। लेट्स सी, कर लिया थोड़ा सा ताकि ये सही सही बने। लेट्स ट्राई अगेन। मैं तो कहती हूँ बिना बेले जो है ना हाथ से ही बना लेते हैं इसको। मम्मा हाथ से बनाती हैं, है ना, वो बेलने से ना मुझे लग रहा है वो टूट जाएगी। हाथ से ही बनाती हैं। लेट्स ट्राई, ये बन गई है बिना बेले, अब इसको उठाना इज द मेन टास्क। ओके लेट्स ट्राई, ये उठ जाएगी तुम देखना। ऐसे उठाएंगी? हाँ ये देखो, क्योंकि मैं इसको जोड़ दूंगी अभी। ये देखो भी, इसको यूं करके ना सारी जोड़ दूंगी। नहीं मैं ऐसे नहीं होगा, मैं करती हूँ, ठहरो। हंस रही है, मैं कर रही हूँ कोशिश। अभी किसी को लाती पता आपने कैसे पकाई है। पलट गई, ऐसे ही पलटने की उसको सोच दी यार। ये मेरी है, अनम ने मुझे कहा भाभी बड़ी बनानी, अम्मी बड़ी बना दी, और खुद इतनी छोटी बनाकर, छोटी मेरी भी इतनी अच्छी बनी थी, मुझे बोल बोल के बड़ी बड़ी करो, मेरी इसने ऐसी बनवा दी है। मेरी ज्यादा अच्छी बनी है, मैं जीत गई, मैं जीत गई। इसने नंद का किरदार अदा किया मुझसे बड़ी बनवा कर खराब करवा दी है। वैसे ठीक है, किसकी अच्छी बनी है? मेरी। अनम बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। अम्मी वेरी गुड, वेरी गुड। अम्मी वैसे ये रिएक्शन नहीं था। रोटी के पीसेस भी चेक किए ना कितनी है। अच्छा अम्मी पता ही है अनम ने तोड़ा, मैंने नहीं तोड़ा, उसने पलटते हुए तोड़ दिया। जोड़ने के नाम के नाम है, अच्छा अम्मी खा के भी तो बताए ना सही बनी भी है या नहीं। तेरी नानी ने रोटी बनाई है, आटा मैंने गूंदा है, इसे नमक ही नहीं, आटा इससे गूंदा है, हमने देखा देखा आपने पकाई कैसी है मेरी, सही है, बड़ी मीठी रोटी है, बड़ा आंटी का आटा अच्छा है। आज हम जा रहे हैं पेशावर, क्योंकि वहाँ पर हमने जाके शॉपिंग करनी है। वहाँ पर मुझे बताया गया है एक कारकुन बारा मार्केट है वहाँ पर, तो हमने वहाँ से बहुत सारी शॉपिंग करनी है। और ये देखिए यू गाइस, रास्ते में जो भी चीज़ें आती है ना, वो मेरे सास ससुर मुझे बताते रहते हैं, दिस इज़ द जेल, कहते हैं एशिया की लार्जेस्ट जेल है ये, और यहाँ पर किसी औरत को फांसी नहीं होती है, बिकॉज़ ये जेल जिस ज़मीन पर बनी है वो दैट इज़ बेसिकली दैट बिलोंग्स टू अ वुमन। सो लुक एट दिस यू गाइज, ऐसी जेल थी कि मुझे लग रहा था ये ख़त्म ही नहीं होने वाली है, बट इट वॉज वेरी 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 ह्यूज। आपने किसकी तरह दुपट्टा किया हुआ है? आपको अच्छी लगती हूँ? हाँ मैं आपको अच्छी लगती हूँ, मैं आपको कितनी अच्छी लगती हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हूँ, आपने मेरी तरह दुपट्टा किया हुआ है। एक एक मुझे मिट्टी तो दे दो। तो पप्पू ने बनाया था बड़े मज़े का ऑमलेट विद गर्मा गर्म पराठा, बड़ा ही मज़ा आ गया था। नाश्ता करने के बाद हम निकल गए थे बारा मार्केट के लिए, और पेशावर में बहुत ज़्यादा गर्मी थी। अच्छा हम कुछ शॉप्स पे गए तो मुझे लगा कि कराची से वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, मतलब आई कुड हैव गॉटन लाइक चीपर थिंग्स लाइक इन कराची, बट देन कुछ शॉप्स थी जहाँ पर एक्चुअली हमें जेन्युइनली बहुत सस्ती और बहुत अच्छी चीज़ें मिली थी। एक स्पून सेट था जो कि अभी आएगा तो मैं आपको दिखाती हूँ, वो मुझे अल्फ़ता में 9,000 का मिला था लाइक 6-7 मंथ्स बैक, लेकिन ये वाला स्पून सेट जो है ना मुझे 4,500 का मिल गया था। फिर हमने पिया पेशावर का कहवा, और उसके बाद हमने इतनी ज़्यादा शॉपिंग कर ली थी कि लिटरली
एक्चुअली हमें जो है ना वो सूटकेस लेना पड़ा सारा सामान फिट करने के लिए. लुक एट दिस. फिर हम जो है रात को गए, खाया हमने चपली कबाब और फिर हम चल पड़े अपने घर की तरफ वापस अगले दिन. और ये देखें पैकिंग शुरू कर दी है बिकॉज़ आई एम कमिंग बैक. तो मेरे पास था बहुत सारा फ्रेजाइल आइटम और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं किस तरह पैकिंग करूँ. तो मैंने बाबा से कहा तो बाबा ने ब्लैंकेट डाल के और डायपर्स किनारों पे लगा कर उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त सी पैकिंग करके मुझे दे दी थी. तो आई वॉज सैटिस्फाइड विद इट. हम निकल पड़े हैं एयरपोर्ट के लिए कमिंग बैक टू कराची. इधर जो है मैंने अपने सूटकेस को क्लिंग लैप करवा लिया था बिकॉज इसमें फ्रेजाइल आइटम था. रूहान का डायपर चेंज करने गई थी बट इट वाज सो डर्टी. सोप नहीं था, टिश्यू रोल्स नहीं थे. हाँ बट यू गाइस कपड़े आपके इस्त्री नहीं रह सकते हैं अगर आपके साथ एक बच्चा है. एंड डोंट फॉरगेट टू कैरी अ टॉय विद योर बेबी व्हेन यू ट्रैवलिंग. एंड यहाँ जो है अगेन एवरीवन वाज रियली रियली हेल्पफुल. उन्होंने जो है इस बंदे ने जो है रूहान को कैरी करके वो प्लेन तक लेकर गए थे. और यहाँ जो है कैरी कॉर्ड अंदर चला जाते हैं, यू कैन नॉट होल्ड देम. मैंने विंडो सीट ली थी सो दैट रूहान जो है वो बाहर देख देख के खुश होता रहेगा बट वो सो गया था. एंड यू गाइज मुझे ये बताना था कि मेरे पीछे कुछ व्लॉगर्स बैठे हुए थे, फॉरन व्लॉगर्स थे. एंड द वे दे वर थ्रोइंग दीज आइटम्स पे फ्रेजाइल लिखा हुआ था तो दे वर रियली रियली अनॉयड कि यार इन लोगों को कोई परवाही नहीं है मतलब किसी चीज़ की. इन्होंने लिटरली अपने पूरे व्लॉग में ये चीज़ डाली है एंड दैट वाज एक्चुअली रियली बैड. आई मीन फ्रेजाइल आइटम का ख्याल रखना चाहिए. बट ये बच्चों की इन्फेंट की सीट बेल्ट होती है जो आपको दी जाती है पहनाने के लिए. अदर देन दैट वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी मम एंड हैप्पी गर्ल इज़ गोइंग बैक टू हर होम. यहाँ जो है वो रूहान सो चुका था बिल्कुल. और ये हमने टेक ऑफ कर लिया है. एंड यू गाइस मैं आप लोगों को बताती हूँ एक बहुत ही वियर्ड सी बात बताती हूँ. पहले तो आप ये देखें कि कितना खूबसूरत लग रहा है. वाओ जस्ट वाओ लुक एट इट. वाज़न्ट इट जस्ट ब्रेथ टेकिंग. ये तो कुछ भी नहीं है, मैं आगे आपको सीन दिखाऊंगी जो वाकई बहुत ब्रेथ टेकिंग था. बट कमिंग बैक एक वियर्ड चीज़ ये है कि आई डोंट नो व्हाई टेक ऑफ के टाइम पे मुझे बहुत शदीद किस्म का जो है ना डर लगता है. एंड आई लिटरली क्राई लाइक लुक एट मी आई वाज सो स्केर्ड. बट लुक एट दिस ब्रेथ टेकिंग सीन यू गाइस. ये खाना था वेरी डिसअपॉइंटिंग. टार्ट वाज रियली नाइस बट खैर मैंने ये कुशन ले लिया था रूहान के लिए विच मेड माई ट्रैवलिंग वेरी वेरी ईजी यू गाइज. And we are in Karachi. हमारा प्लेन लैंड कर गया है. एंड गाइज कौन कहता है कि पाकिस्तान में अच्छे लोग नहीं हैं. लुक एट दिस, अंकल ने मेरा ट्राईपॉड पकड़ा हुआ है और इन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है बेबी को लेके जाने में. सो आई होप आप लोग को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा. अगर आया है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब.